हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको गुणों से भरपूर बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी और हेल्दी सब्जी बनाना बताऊंगी। जिमीकंद की सब्जी, जिसे सूरन के नाम से भी जानते हैं और इसको एलिफेंट फुट यम भी कहते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी होती है। इसका टेस्ट बहुत अलग होता है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही गुणों से भरपूर ये हमारी वेजिटेबल होती है। इसके लिए मैंने आधा किलो जिमीकंद लिया। देख सकते हैं किस तरीके का है, थोड़ा हार्ड होता है। इसको हम काट किस तरीके से सकते हैं वो भी आप देखिए। इसको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा जी साइज का है, इसमें इसके सबसे पहले जो ऊपर की कवरिंग है ब्राउन ब्राउन, इसको हमें को हटाना है। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी सब्जी होती है, वेट लॉस करने में फ़ायदा करती है, बहुत सारे इसके गुणों से भरपूर होती है, तो इस सब्जी को हमें ज़रूर खाना चाहिए, खिलाना चाहिए और फटाफट से बन भी जाती है, तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको ऊपर से छील लिया है। जिमीकंद की इस वीडियो में पहले मैं आपको एक अलग तरीके से जिमीकंद की सब्जी बनाना बताऊंगी और उसके बाद एक और वीडियो में बिल्कुल अलग तरीके से हम जिमीकंद को कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे जिमीकंद को इस तरीके से काट लिया है, ऊपर का इसका जो छिलका हटा के। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, यानी इसको अब हमें बॉईल करना है। जिस तरीके से हम आलू को बॉईल करते हैं उसी तरीके से इसको करना है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको ढक्कन को बंद कर देंगे और करीब 2 से 3 जो है सीटी हम मीडियम गैस पर लेंगे। तो देखिए हमारा ये स्टीम निकल चुकी है। अब इसके बाद इसको हमने चेक करा तो ये देखिए बॉयल हो चुका है एकदम से। ऐसा नहीं कि जैसे आलू हमने छुआ और वो फूट गया, ऐसे नहीं करना है। अब इसको बाहर निकाल लिया, थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसके हम दो इसके जो है हाफ हाफ कर देंगे, यानी 250 ग्राम अलग 250 ग्राम अलग। अब एक पोर्शन को हम इस तरीके से जैसे आलू फोड़ते हैं उसी तरीके से इसको हम फोड़ेंगे। आप देखिएगा, लगेगा हम आलू की सब्जी बना रहे हैं बट इसका टेस्ट इतना अलग होता है कि आप इसको लगेगा चाट की तरह से ऐसे ही खा जाएं। बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है, इसको बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। तो सारी ये जो है हमने जिमीकंद को फोड़ लिया है। अब एक जो है वो कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे, गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे हींग। चौथाई चम्मच हींग डालेंगे, 1 चम्मच इसमें जीरा यानी क्यूमन सीड डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, काफ़ी सारा इसमें अदरक डालेंगे, अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मीडियम गैस पर इसको हम भूनेंगे। अब इसमें 3 से 4 महीन कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से जो है मसाले को हम भून लेंगे। अब इसमें जो है वो जिमीकंद को डालेंगे जो हमने मैश किया हुआ रखा है। आप देखिएगा झटपट से सब्जी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खाइए, और यकीन मानिए इसको आप अगर ऐसे भी खा लेंगे बिल्कुल चाट की तरह से तो बहुत ही टेस्टी लगती है। नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, अमचूर पाउडर यानी खटाई डालेंगे, गरम मसाला। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, घर में जो ऑलरेडी होते हैं उन्हीं मसालों से बनाया है, सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। तो एक बार ये ट्राई करना ज़रूर बनता है। अच्छे से इसको भून लेंगे, फिर इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। ऑयल भी देखिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगा है इसमें। अब जब ये अच्छे से भुन जाएगी तो एंड में इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी से क्या इसका जो खुशबू आती है बहुत ही बढ़िया आती है और टेस्ट भी एकदम से बहुत ही बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसमें जो है वो ऊपर से लेमन डालेंगे। अब इसके बाद इसको आप चाट की तरह से भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसको जो है वो गर्म गर्म खाने में भी सर्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और आपने मेरे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसी तरीके से नए नए वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहिए और आप मेरी वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।